वादी में बढ़ती ठंड और फॉग के चलते स्कूल जाने वाले बच्चे इससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनकी इंतजामिया से ये मांग है कि स्कूली बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां दे दी जाएं। वादी के कम से कम 8 अजलों में पारा नुक्ता अंजुआत से नीचे पहुंचा है, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां दर्जा हरारत माइनस में भी चल रहा है। कल शहर श्रीनगर की इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता दिन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया था, जिसमें ये दरख्वास्त की गई कि स्कूली बच्चों को सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए। वहीं से लेकर अहलकारों का ये कहना है कि वो आने वाले कुछ दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कैटेगरी वाइज विंटर वेकेशन का ऐलान कर देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सुबह के वक्त वादी में धुंध की चादर छाई रहती है, जिससे कि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में छोटे बच्चों का सुबह स्कूल के लिए निकलना और उनके वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनता है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया कि पिछड़े इलाकों में जहां पर भी स्कूल्स हैं वहां पर उनकी जानिब से हीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पर फिर भी बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते क्योंकि सुबह के वक्त धुंध इस कदर होती है कि वो घर से निकल ही नहीं पाते। वाजे रहे कि पिछली सर्दियों में भी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था, वहीं इस बार भी ठंड काफी पहले से होना शुरू हो गई और पिछले कुछ दिनों से तो वादी में धुंध और कोहरे की एक चादर छाई रहती है। इसे लेकर अब देखना यह होगा कि इंतजामिया कब से विंटर वेकेशन का ऐलान करेगी। इस हवाले से और भी क्या कुछ अपडेट आएंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।